क्या आपने कभी ऐसी लाइफ का सपना देखा है जो अबंडेंस, जॉय और पर्पस से भरी हो? ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आपके अपने अंदर से शुरू होती है। एकहार्ट टोले की टीचिंग्स को एम्ब्रेस करके हम प्रेजेंट मोमेंट की पावर को हार्नेस कर सकते हैं अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए। टोले सिखाते हैं कि ट्रू मैनिफेस्टेशन इनर पीस कल्टिवेट करने से और प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइनमेंट से आती है। माइंडफुलनेस और ईगो को रिलीज करके हम अपने इन्फिनिट क्रिएटिव पोटेंशियल में टैप करते हैं। टोले की टीचिंग्स हमारा फोकस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस से हटाकर पावर के ट्रू सोर्स पर ले जाती हैं, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस। प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइन करके हम लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज अनलॉक करते हैं। हमारे साथ जुड़े टोले के प्रिंसिपल्स को डेल्व करते हुए अपने डीपेस्ट डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हुए और पर्पस, अबंडेंस और जॉय से भरी लाइफ जीने के लिए। एकहार्ट टोले, एक नाम जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिनोनिम है, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस और ईगो पर इंसाइट्स देते हैं। उनकी टीचिंग्स इन अ पीस और हमारे ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने का रास्ता दिखाती हैं। टोले का मैनिफेस्टेशन का अप्रोच सिर्फ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस अट्रैक्ट करने या वर्ल्डली सक्सेस अचीव करने से बढ़कर है। वो हमारे ट्रू सेल्व्स और हमारे सोल्स पर्पस के साथ अलाइन होने पर एम्फसाइज करते हैं। जब हम अपने इनर कंपास से कनेक्ट करते हैं तो हमारी डिज़ायर्स यूनिवर्स के फ्लो के साथ अलाइन हो जाती हैं, जो एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन का रास्ता बनाती है। ईगो को क्वाइट करके हम अपनी ट्रू डिज़ायर्स को इमर्ज होने के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। ये ऑथेंटिक डिज़ायर्स उन पीपल, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करती हैं जो उन्हें रियलाइज करने के लिए ज़रूरी होती हैं। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन होने, प्रेजेंट मोमेंट के आगे सरेंडर करने और अपनी रियलिटी के को क्रिएटर्स बनने के बारे में है। एकहार्ट टोले की टीचिंग्स के हार्ट में माइंडफुलनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। यह हमारी फुल अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की प्रैक्टिस है, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने की। ये प्रैक्टिस हमारी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करने और अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने की है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम पास्ट को लेकर रूमिनेट करने और फ्यूचर की वरी करने के साइकिल से बाहर निकल आते हैं। हम नाउ में फुली प्रेजेंट हो जाते हैं, जहां ट्रू क्रिएशन होती है। यह अवेयरनेस हमें अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज करने और अपने गोल्स के साथ अलाइंड कॉन्शियस चॉइसेस लेने में हेल्प करती है। माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड कल्टिवेट करती है, हमारा फोकस लैक से हटाकर अबंडेंस पर ले जाती है। अपनी डेली लाइफ्स में माइंडफुलनेस इनकॉर्पोरेट करके हम इनर स्टिलनेस क्रिएट करते हैं और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं। इस इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट करने से हमें सिंक्रोनिसिटीज और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो हमें अपने ड्रीम्स के करीब ले जाती हैं। खुद को फुली इमर्स्ड इमेजिन करें प्रेजेंट मोमेंट में, हर सेंस अलाइव और आपके आसपास की दुनिया के प्रति अट्यून्ड। यही प्रेजेंस का एसेंस है, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जिस पर एकहार्ट टोले मैनिफेस्टेशन के लिए क्रूशियल होने पर एम्फसाइज करते हैं। जब हम ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो हम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के रेल्म में टैप करते हैं, जहां यूनिवर्स हमारे ड्रीम्स को सपोर्ट करता है। प्रेजेंस उन इल्यूजन्स को डिसॉल्व कर देती है जो हमें पीछे होल्ड करके रखती हैं। अपनी अवेयरनेस को नाउ में लाने पर हम प्योर पोटेंशियलिटी की स्टेट एक्सेस कर पाते हैं। इस स्टेट में हम अब लिमिटिंग बिलीफ्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस से बाउंड नहीं रहते। हम न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो जाते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को परसीव करते हैं जो पहले हिडन थी। प्रेजेंस इनर पीस और जॉय को फॉस्टर करती है, आउटकम्स को कंट्रोल करने की नीड को रिलीज करती है। लाइफ्स फ्लो के आगे सरेंडर करने से हमारे ड्रीम्स को उन वेज में मैनिफेस्ट होने के लिए स्पेस क्रिएट होता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी।
सेक्शन 5, ईगो द साइलेंट ड्रीम किलर, जहां माइंडफुलनेस और प्रेजेंस मैनिफेस्टेशन का रास्ता बनाते हैं, वहीं ईगो अक्सर हमारी प्रोग्रेस हिंडर करता है। एकहार्ट टोले ईगो को हमारे कंडीशनड माइंड की वॉइस बताते हैं, जो फियर और इनसिक्योरिटी से फ्यूल्ड होती है। ये डाउट्स विस्पर करता है, लिमिटेशंस को मैग्निफाई करता है और हमारे ड्रीम्स को सेबोटाज करता है। ईगो सेपरेशन में थ्राइव करता है, कॉन्स्टेंटली हमें दूसरों से कंपेयर करता है और लैक की फीलिंग क्रिएट करता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ये स्ट्राइविंग हमें डिजायर और डिससेटिस्फैक्शन के साइकिल में फंसा देती है। ईगो खुद को हमारे डिजायर से अटैच कर लेता है, उन्हें डेस्परेट क्रेविंग्स में ट्विस्ट कर देता है। ईगो की ग्रिप से बाहर निकलने के लिए हमें इसकी प्रेजेंस के प्रति अवेयर होना होगा, अपने थॉट्स को माइंडफुलनेस के साथ ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब ईगो हमारे बिहेवियर को ड्राइव कर रहा है। इसके बाद हम इसकी लिमिटिंग बिलीफ से डिटैच होने का चॉइस ले सकते हैं और सेल्फ एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड में रूटेड पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सेक्शन 6, मैनिफेस्टिंग लव, अ रियल लाइफ एग्जांपल। माइंडफुलनेस, प्रेजेंस और ईगो रिलीज के प्रिंसिपल्स हमारी लाइव्स को टेंजिबल वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये प्रिंसिपल्स सैरा की लाइफ में प्ले हुए, जो एक लविंग रिलेशनशिप के लिए यर्न करती थी। सैरा डेस्परेशन के साथ डेटिंग अप्रोच करती थी। उसका ईगो इस आइडिया से क्लिंग कर रहा था कि एक पार्टनर मिलने से वो कंप्लीट हो जाएगी। इस अप्रोच ने ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट किए जो उसकी इनसिक्योरिटीज को मिरर करते थे, जिससे अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनी। टोले की टीचिंग्स से इंस्पायर्ड होकर सैरा ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू की और अपने ईगो के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को नोटिस किया। उसने अपना फोकस सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस पर शिफ्ट किया, अपनी ओन कंपनी को अप्रिशिएट किया और अपने पैशंस को नर्चर किया। इस इनर पीस ने एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया जो उसकी ट्रू सेल्फ को अप्रिशिएट करता था। सैरा जर्नी दिखाती है कि कैसे टोले के प्रिंसिपल्स फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की ओर ले जा सकते हैं। सेक्शन 7, अचीविंग करियर सक्सेस थ्रू प्रेजेंस। एकहार्ट टोले की टीचिंग्स हमारी प्रोफेशनल लाइव्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। डेविड को कंसिडर करें, जो एक टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर था जो टेक इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अपनी डेडिकेशन के बावजूद डेविड का ईगो एक्सटर्नल वैलिडेशन की रिलेंटलेस परस्यूट को फ्यूल करता था, जिससे बर्नआउट हो रहा था। एक कोलीग ने डेविड को टोले की प्रेजेंस की टीचिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। डेविड ने अपनी डेली रूटीन में माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, जिससे केओस के बीच कामनेस आने लगी। जैसे जैसे डेविड ने प्रेजेंस कल्टिवेट की, उसने अपने वर्क को क्लैरिटी और पर्पस के साथ अप्रोच करना शुरू कर दिया। इंट्यूशन से गाइडेड होकर उसने ऐसे इन्वेस्टर्स और कोलैबोरेटर्स को अट्रैक्ट किया जो उसके विजन के साथ रेजोनेट करते थे। डेविड्स जर्नी इलस्ट्रेट करती है कि कैसे प्रेजेंस प्रोफेशनल सक्सेस की ओर ले जा सकती है। सेक्शन 8, फाइंडिंग इनर पीस बाय लेटिंग गो। टोले की टीचिंग्स का एक सबसे प्रोफाउंड एस्पेक्ट है लेटिंग गो का कॉन्सेप्ट। ये आउटकम्स से अटैचमेंट रिलीज करने, कंट्रोल सरेंडर करने और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के बारे में है। हमारा सफरिंग अक्सर जो है उसके प्रति रेजिस्टेंस की वजह से होता है। लेटिंग गो का मतलब अपनी एस्पिरेशंस को गिव अप करना नहीं है। ये प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करने और यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट करने के बारे में है। जब हम लेटिंग गो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम खुद को पॉसिबिलिटीज और सिंक्रोनिसिटीज के लिए ओपन कर लेते हैं। हमें प्रेजेंट मोमेंट में पीस मिलती है, ये जानकर कि हम एग्जैक्टली वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। लेटिंग गो अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने और ट्रू इनर पीस एक्सपीरियंस करने के लिए एसेंशियल है।
Section 9, Practical Steps to Incorporate Tolle's Teachings. अपनी लाइव्स में टोले की टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत नहीं है। यह हमारी अवेयरनेस और पर्सपेक्टिव में स्मॉल कंसिस्टेंट शिफ्ट्स लाने के बारे में है। माइंडफुलनेस से स्टार्ट करें। हर दिन कुछ मिनट टेक ऑन स्टिलनेस के लिए डेडिकेट करें। अपनी ब्रेथ और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के लिए रिफ्लेक्ट करें। सिंपल थिंग्स को अप्रिशिएट करें। अपने ईगो को चैलेंज करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक के प्रति अवेयर बने और एक मोर एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव चूज करें। प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करें। आप जो भी कर रहे हैं उसमें फुली एंगेज करें। पास्ट या फ्यूचर पर ड्वेल किए बिना प्रेजेंट को सेवर करें। ये स्टेप्स टोल की टीचिंग्स को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। अवेयरनेस में स्मॉल शिफ्ट्स प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस की ओर ले जा सकते हैं। आज ही स्टार्ट करें और प्रेजेंस की पावर एक्सपीरियंस करें। इन सेक्शन 10, एम्ब्रेस योर पावर टू मैनिफेस्ट। टोले की टीचिंग्स को इंटीग्रेट करके हम अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने की पावर अनलॉक करते हैं। अपनी रियलिटी के कॉन्शियस क्रिएटर्स बनने के लिए माइंडफुलनेस, प्रेजेंस और ईगो को रिलीज करने को एम्ब्रेस करें। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन होने और इंस्पायर्ड एक्शन लेने के बारे में है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ को क्यूरियोसिटी, कंपैशन और अपनी पोटेंशियल में बिलीफ के साथ अप्रोच करें। प्रेजेंट मोमेंट को एक गिफ्ट की तरह एम्ब्रेस करें। आपकी लाइफ की मास्टरपीस के लिए एक कैनवस की तरह। यूनिवर्स आपके क्रिएशन का वेट कर रहा है। आज ही स्टार्ट करें और अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करें।